नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका हमारे चैनल टूरिस्ट स्पॉट मिर्जापुरी में स्वागत है। आज हम आपको संगम का वो जगह दिखाने वाले हैं जहाँ पे तीनों नदियाँ आपस में जाकर के मिलती हैं। इस समय तो सरस्वती नदी का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको गंगा और यमुना नदी एक साथ इस जगह पे देखने को मिल जाएंगी। मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे आपको दोनों नदियाँ एक साथ दिखाई पड़ेंगी। गंगा जी दिखाई पड़ रही होंगी, इधर इस समय लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि ये संगम कहाँ पे है। इधर देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में लोग गंगा जी में भी स्नान कर रहे हैं, और ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है शास्त्री पुल, इधर से ही गंगा जी आती हैं। देख सकते हैं गंगा जी की इस समय कितनी तेज़ धार है, और नहावन वगैरह के समय तो यहाँ पर धार को बढ़ा दिया जाता है कि लोग आसानी से यहाँ पर आ के स्नान कर लें, जिसके लिए लोग यहाँ पे माघ मेला में आते हैं। गंगा जी की कितनी तेज़ धारा है, काफ़ी ठंडा पानी है यहाँ पे गंगा जी का, और काफ़ी शुद्ध पानी आपको दिख रहा होगा जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आप भी यहाँ पे आके आसानी से गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं वो तो संगम में ही स्नान करने के लिए सोचते हैं। तो मैं यहाँ पे लोगों को आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पे गंगा जी में भी कितने लोग स्नान कर रहे हैं। इस समय मैं माघ मेला में पुल नंबर 2 पर खड़ा हूँ, और मैं वहाँ से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पे गंगा आरती होती है। गंगा आरती रोजाना शाम 6 बजे माघ मेला में इसी जगह पे होती है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो के हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। संगम जाने के मार्ग पर हैं, यहाँ से संगम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अब पहुँचने ही वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे संगम कि संगम कैसा है और वहाँ पे कौन कौन सी नदी मिलती है, और उनका नदी में जो पानी है उनका रंग कैसा है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको वीडियो में। आप बने रहिएगा इसी तरीके। संगम में जब आप स्नान करने आएंगे तो ई रिक्शा आपको यहीं तक छोड़ेगा, आपको यहाँ से 0.5 किलोमीटर के लगभग और आगे चल करके आपको संगम के दर्शन होंगे। इस समय मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये संगम का वो स्थान है जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं। आप भीड़ से ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये जगह कितना महत्वपूर्ण है और लोगों के नज़रिए से इस जगह का कितना महत्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी जनता, या यूँ कहें कि ढेर सारे श्रद्धालु आए हुए हैं संगम में स्नान करने के लिए, जबकि इस समय कोई नहावन भी नहीं है, तब पर भी आपको कितनी ढेर सारी तादाद में लोग नहाते हुए दिख रहे हैं। अगर यहीं कहीं नहावन का समय होता तो उस समय आपको यहाँ पे सांस लेने तक की जगह नहीं मिलती। इस समय मैं बोट में दिख रहा हूँ, और ये मेरे पीछे यमुना नदी है। आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे पीछे हमारे यमुना नदी दिख रही है। यमुना नदी में आपको साइबेरियन पक्षी काफ़ी ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे, और इधर आपको और मैं पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मेरे पीछे यहाँ पे यमुना ब्रिज भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यमुना जी के पानी का रंग आपको हरा दिख रहा है, जो कि काफ़ी शुद्ध और निर्मल पानी है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए।
मैं ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे और रोमांचक वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद।